स्कूल में लड़का लड़कियों के बाथरूम में चुपकर घुस जाता है क्योंकि उसका कुछ सामान शिक्षक ने जब्त कर लिया था। वो उसे वापस लेने के लिए दरवाजे के नीचे से बैग में हाथ डालने लगता है, लेकिन गलती से उसे शिक्षक का बड़ा रहस्य पता चल गया। लड़का बहुत घबरा गया था। वो वहाँ से बड़ी तेजी से बाहर भागने लगता है, फिर कक्षा में वापस आने के बाद बैठकर इंतजार करने लगता है। टीचर ने अचानक बहुत सारी चॉकलेट निकाली, फिर उसने हर एक छात्र को एक एक देना शुरू कर दिया। जैक को अचानक एक भयानक चीज के बारे में पता चलता है। कुछ दिन पहले गायब हुए सहपाठी ने वही चॉकलेट खाई थी और जैसे ही छात्र चॉकलेट खाते हैं उनकी आंखें ऊपर हो जाती हैं। जैक जल्दी से इस चीज को एक कागज पर लिख देता है। उसने अपने दो सहपाठियों को चॉकलेट न खाने की चेतावनी दी। हालांकि नोट पास करने की आवाज़ शिक्षक को सुनाई पड़ जाती है। केटी केवल अगले सेकंड में खाने का नाटक कर सकती थी। अचानक शिक्षक जैक के पीछे आ जाती है। जैक ने तुरंत अपने दो दोस्तों को बताया, मैंने जो राक्षसी किताबें पढ़ी हैं, उनके आधार पर शिक्षक संभवतः बच्चों को खाने वाली राक्षस है। वे आमतौर पर इंसानों का भेष धारण करते हैं और फिर भोजन के माध्यम से बच्चों को नियंत्रित करते हैं और फिर उन्हें खा जाते हैं। राक्षसी लोगों से वाकिफ होकर दूसरे बच्चों ने तुरंत चॉकलेट को कूड़ेदान में फेंक दिया। जब जैक घर लौटा तो उसने अप्रत्याशित रूप से अपने परिवार को इसके बारे में बताया। ये सुनकर दादाजी बहुत उत्साहित हो गए। हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव है। वो भूखी है। जैक, कौन भूखी है? उसने 70 साल से कुछ नहीं खाया है।